हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि और हम हमारे चैनल पे बात करते हैं मेकअप एंड ब्यूटी से रिलेटेड। सो गाइस, अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जिसके बारे में हमें आज आपको समझाने का जो हमारा टॉपिक है वो है ओपन पोर्स से रिलेटेड। सो हमारी स्किन में ओपन पोर्स है या नहीं है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करें। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपन पोर्स क्या होते हैं, उनको कैसे पहचानना है हमें और कौन सी स्किन पे जो है ओपन पोर्स होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक मिरर के पास जाना है, मिरर में अपना फेस देखना है। सो अगर आपके फेस पे छोटे छोटे से होल्स होते हैं गाइस, अगर आपके आपके फेस पे जब आप मिरर में देखते हो और आपके फेस पे आपको छोटे छोटे से होल नजर आते हैं, या गड्ढे जिन्हें हम बोल सकते हैं, डेंट दिखते हैं, डेट मीन्स आपकी स्किन में ओपन पोर्स है। ओपन पोर्स बेसिकली कौन सी स्किन में होते हैं, तो ओपन पोर्स हमेशा आपको मिलेंगे ऑयली स्किन में, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन होती है, कहीं से ऑयली होती है और कहीं से ड्राई होती है। तो बहुत सारे जनों का क्या होता है, नोज एरिया जो होता है वहाँ पे ओपन पोर्स होते हैं, या उनके ब्लैक हेड्स होते हैं या वाइट हेड्स होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनको पिम्पल्स होंगे, दैट मीन्स उनके ओपन पोर्स है, तभी उन्हें पिम्पल्स हो रहे हैं, या फिर एक्ने प्रॉब्लम होगी, एक्ने है मीन्स उनको उस वजह से भी ओपन पोर्स की वजह से वो एक्ने प्रॉब्लम हो रही है। सो गाइस, अब जब किसी को आपको पिम्पल्स दिख जाए, या किसी को एक्ने प्रॉब्लम है, या किसी के होल दिख रहे हैं छोटे छोटे से, तो क्या, या फिर किसी की ऑयली स्किन है, वो भी इजीली यूज़ कर सकते हैं टोनर, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टोनर यूज़ करने में। तो गाइस, जब इस तरह की कंडीशंस होती है आपकी स्किन में, इस तरह से की प्रॉब्लम्स होगी, तो आपको यूज़ करना है टोनर।